हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो आमजन तो क्या, प्रशासन अधिकारी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहां पर एक होटल मालिक ने एक महिला अधिकारी की गोली मारकर जान ले ली। महिला अधिकारी उस होटल का अवैध निर्माण ढहाने गई थी, इस दौरान होटल मालिक ने उसे अधिकारी पर हमला कर दिया। दरअसल मामला सोलन जिले के कसौली का है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 17 अप्रैल को कसौली जिले में मौजूद होटलों में किए गए अवैध निर्माण को 2 हफ्ते के भीतर हटाने का फरमान सुनाया था। इस आदेश के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर शेल बाला अपनी टीम के साथ एक होटल से अवैध निर्माण हटाने गई थी। टीम ने पाया कि कसौली में नारायणी होटल के बाहर बड़ा अवैध निर्माण किया गया था। जब महिला अधिकारी शेलबाला और उनकी टीम अवैध निर्माण हटाने पहुंची तो वहां होटल के स्टाफ और मालिक से उनकी कहासुनी होने लगी। इस दौरान होटल का मालिक विजय ठाकुर अपना आपा खो बैठा और उसने महिला अधिकारी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में महिला अधिकारी को 2 गोलियां लगी, जिसमें शेलबाला की मौके पर ही जान चली गई, जबकि वहां मौजूद एक मजदूर को भी गोली लगी, जो वो घायल है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय डॉक्टरों ने चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।